पंजाबी गायका ते इन्नी दिनी आईटी विभाग दी तिखी नज़र पई हुई है। लोगों के दिलों च राज करन वाले गायक कंवर गरेवाल ते रणजीत बावा दे घर ते होर कारोबारी थावां ते आईटी विभाग दी दूजे दिन भी रेड जारी रही। विभाग दी टीम मोहाली दे सैक्टर 104 स्थित गायक कंवर गरेवाल दे अपार्टमेंट च दूजे दिन भी डटी रही। दरअसल गायक कंवर गरेवाल दे बठिंडा स्थित जद्दी पिंड महिमा समाई च आईटी विभाग वालों कुछ दिन पहला रेड की गई सी। इस रेड दे दौरान विभाग ने कई दस्तावेज इकट्ठे किए सन अते ओही दस्तावेज लैके अज आईटी विभाग दी टीम मोहाली पहुंची। तो उधर दूजे पासे गायक रणजीत बावा दे बटाला स्थित जद्दी पिंड ते होर कई थावां तों इकट्ठे किए दस्तावेजां नूं लैके आईटी विभाग दी टीम मोहाली दे सैक्टर 69 पहुंची। हालांकि आईटी विभाग वालों इस मामले संबंधी कुछ जानकारी तां नहीं दित्ती गई, पर दूजे पासे पंजाबी गायका खिलाफ आईटी विभाग दी चल रही रेड नूं लैके हिमायतियां ने कई तरह के सवाल खड़े किए ने। वड्डा सवाल खेती कानूनां नूं लैके है, जदों संघर्ष के दौरान इन्हां गायकां ने अपनी आवाज़ के नाल पंजाबियों नूं एक जगह पर खड़ा होने लई मजबूर कर दिता सी अते लंबे संघर्ष तो बाद आखिरकार केंद्र सरकार नूं खेती कानून वापस लेने पए सन। पंजाबी गायकां ते आईटी विभाग की इस रेड नूं लैके गल की जाए तो इशारा आमदन तो वध संपत्ति नूं लैके है, जिस नूं लैके आईटी विभाग लगातार दस्तावेज खंगाल रहा है। हालांकि आईटी विभाग दी रेड तो बाद कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पर रिश्तेदारां ने अपने बयान जरूर दिते ने। रिश्तेदारां दा कहना है कि केंद्र ते सूबा सरकारां गायक कंवर गरेवाल अते रणजीत बावा नूं बदनाम कर रही है। फिलहाल गायका खिलाफ चल रही इनकम टैक्स की रेड तो बाद अजे तक कुछ बरामद होया या नहीं इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, पर गायका खिलाफ रेड का मुद्दा पूरी तरह गरमाया होया है अते सवाल यही सामने आ रहे हैं कि खेती कानूनों की हिमायत ने रेड का दरवाजा तो नहीं खोलिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़।